कविता और उसके परिवार की। कविता के परिवार में उसका पति रमन, उसकी सास विमला और उसकी ननंद अनीता के साथ वो रहती थी। रमन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसकी महीने की पगार 15,000 थी। कविता अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छे से घर चला रही थी। अनीता को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। वो लोग बहुत ही अमीर थे। देखिए, हमें आपकी बेटी पसंद है, इसलिए हम लोग ये रिश्ता पक्का समझते हैं। हम लोग दहेज लेना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। आप लोग शादी में कोई कमी मत रखना। बहन जी, आप चिंता मत करें, हम लोग शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। हमारी भी एक ही बेटी है। इसलिए हाँ क्यों कहा, शादी को अब 4 महीने ही बचे हैं और उन्होंने कहा है कि कोई शादी में कमी मत रखना। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तो चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, सब कुछ संभाल लेगा। भैया की तो 15,000 ही पगार है, वो भी घर खर्च में निकल जाती है। वो दोनों बात कर ही रही थी, तभी वहाँ रमन आता है। अनीता, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, पैसों का इंतजाम कहीं से भी कर लूँगा। तू जाके तेरी पढ़ाई कर। इतनी कमाई नहीं थी कि वो घर के खर्चे के साथ साथ अनीता की शादी के भी पैसे जोड़ सके। ने एक दो दोस्तों से पैसों की मदद मांगी, लेकिन अभी किसी के पास पैसे नहीं है। अब तो हमारे पास एक घर ही है, इसे बेचने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पैसों को लिए हम इतना बड़ा रिश्ता तो हमारे हाथ से नहीं जाने दे सकते। ये कविता बाजार से सब्जियां खरीद कर आती है। ये आप कैसी बात कर रही है, अगर हम लोग घर बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? मैं अभी बाजार से आ रही हूँ, वहाँ मैंने देखा कई सारी औरतें सब्जियां बेच रही थी। मैं भी सब्जी बेचना चाहती हूँ। पागल हो गई हो, तुम भला सब्जी बेचोगी? लगता है ये हमारी नाक कटा के ही रहेगी, लोग क्या सोचेगी कि मेरी सब्जी बेचने से नाक नहीं कटेगी। नाक तो तब कटेगी जब हम अनीता की शादी धूमधाम से नहीं कर पाएंगी। दा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, वरना कोई नौकरी कर लेती, इसलिए मैं सब्जी बेचकर ही सही आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आप मुझे काम करने दीजिए। अगले ही दिन कविता ने एक ठेला खरीदा और सब्जी मंडी से कुछ ताजी हरी हरी सब्जियाँ खरीदी। लोगों को आवाज लगाते हुए रास्ते पर सब्जी बेचने लगी। जी, आपने सब्जी कितने की दी? 30 रुपया किलो ले लीजिए, आज मेरा पहला ही दिन है, इसलिए मैं ज़्यादा मोल भाव नहीं करूँगी। वाह, इतनी सस्ती सब्जी, मुझे 1 किलो बैंगन और 1 किलो टमाटर दे दीजिए। दिन भर में कविता की सारी सब्जियाँ बिक जाती है। जी बेचकर तूने क्या ही हासिल कर लिया। जी, आज मेरा पहला ही दिन था, देखिए फिर भी हमें इतना मुनाफा हुआ है, कल मैं ज़्यादा सब्जियाँ खरीद के ले जाऊँगी। कविता सब्जी वाली के नाम से जानी जाती थी, सभी औरतें कविता ही से ही सब्जी खरीदती थी। तो विमला भी कविता की मदद के लिए घर का सारा काम कर देती थी और कविता घूम घूम कर सब्जी बेचा करती थी। बड़े बड़े लोगों से ज़्यादा सब्जियां खरीदने लगी, फिर उसे सब्जी मंडी में बेचने लगी। आखिर में कविता की मेहनत रंग लाई। रमन और कविता ने मिलकर 3 महीने में इतने पैसे जोड़ लिए कि वो अनीता की शादी बड़े धूमधाम से कर सके। वो तेरी लगन और मेहनत को मानना पड़ेगा, तेरी लगन और मेहनत से सब कुछ हो गया। सच में तू तेरी जैसी बहू हर किसी को मिले। जी, मैंने आपसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बातें नहीं करनी है, अब हमें अनीता की शादी की तैयारी भी करनी है। चलिए चलिए, कई सारी चीज़ें खरीदनी है। वो लोग धूमधाम से अनीता की शादी भी कर देते हैं।